progressive journalism. Like, share and subscribe to our YouTube channel. Don't forget to press the bell icon for latest updates. लहजा मली है, लहजा मली है कि नमक ख्वार हूँ तेरा। लहजा मली है कि नमक ख्वार हूँ तेरा, और सेहत जबान में है कि बीमार हूँ तेरा। दिक्कत का दौर रहा, मुश्किल का दौर रहा। एक वक्त था हिंदुस्तान में जबकि उर्दू ज़बान तकरीबन यतीम हो चली थी, और मुझे ये मैं अपना अखलाकी फ़र्ज समझता हूँ कि इस बात का एतराफ़ करूँ कि दो शख्सियतें नुमायाँ थीं जिन्होंने इस ज़बान के हुस्न को मुशायरों के ज़रिए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कोनों में दिक्कत तलब और सब्र आजमा हालतों में भी बरकरार रखा है, और वो मुनिस गमखार, वो मुआविन हमारी उर्दू ज़बान के, जहाँ वी शंकर साहब भी थे, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब, अल्लाह इनको सलामत रखे, मैंने बेदी साहब आपके बारे में कुछ जो सुवेनियर है उसमें भी पढ़ा, आज के अखबार में भी आपके मुतालिक कुछ छपा है वो भी पढ़ा, और मैं खुद आपसे और अपने तमाम भाइयों से इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि यह शख्सियत जो कुछ लिखा गया है उससे कहीं ज़्यादा अजीम तर है। इनका हस्ब नस्ब क्या है और किस बुलंदी और अरफा खानदान से मुतालिक हैं वो तो आप सब लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन एक हमदर्द इंसान जिसमें वो अंग्रेजी में इस्तिलाह है कि ए सिंबल ऑफ कंपैशनेट ह्यूमनिज्म, दैट इज दिस जेंटलमैन। मैं अपने हम लोग अपने इब्तदाई दौर में, नौजवानी के दौर में, आज से मेरे ख्याल से 40 साल कबल, हमें ये खुशकिस्मती ये फैज़ मिला कि कुंवर साहब से मुलाकात हो, और जैसे कि हमारे घरों में तरबियत होती है नशस्त व बर्खास्त की, उठने बैठने की, गुफ्तगू करने की, एक दूसरे से सलूक और सिलसिला कायम रखने की, वो आदाब जो हैं अगर हमने कई और से बुज़ुर्गों से सीखे हैं तो सीखे हैं यकीनन, लेकिन उसका बहुत कुछ हिस्सा हमें कुंवर साहब से भी मिला है। नेक दिल इंसान, इनके दफ्तर के बाहर कई ज़रूरतमंद और हाजतमंद लोग हमेशा बैठे हुए मिलेंगे आप। कई शायर, कई लिखने वाले मुसन्निफ, कई स्पोर्ट्समैन आते हैं, जो कुछ भी कुंवर साहब से बन सकता है वो करते हैं। ये एक वाहद शख्सियत हैं हमारे कल्चरल, उर्दू के कल्चरल माशरे में, जो बराह रास्त जोश साहब के अलावा जो बराह रास्त पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच जाते थे, और अक्सर उनसे सख्त सुस्त बातें भी कर लिया करते थे। और ये उनका, पंडित जी का भी हुस्न अखलाक था कि वो इस किस्म की दराज दस्तियाँ बर्दाश्त कर लेती थी। उसी दिल्ली में इस ज़बान ने परवरिश पाई, जहाँ के थोड़ी देर तक के लिए हमें एतराफ़ करना पड़ेगा कि उर्दू यतीम हो गई।
लेकिन वो शेर है, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद बातें करते कर, हाँ, कि जहां में अहले ईमा सूरते खुर्शीद जीते हैं, जहां में अहले ईमा सूरते खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। वो कैफियत जो अहले ईमान की है वो इस जबान की भी है। चिजा है कि हिंदुस्तान और लखनऊ, इलाहाबाद और दिल्ली की वो करखंदारी जबान आपको अब टोरंटो में भी सुनाई देगी, वैंकूवर में भी मुशायरे होते हैं, लंदन में तो खैर आपकी ज़ेर सरपरस्ती कई मुशायरे हुए, मुझे भी शामिल होने का फैज़ उसमें मुयस्सर हुआ। और यहाँ तक के जो लोग नहीं भी समझते, ज़बान को नहीं समझते, लेकिन उसकी लोच और उसकी खनक को बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल सही। एक उर्दू के हिंदुस्तानी के खिलाफ बहुत जबरदस्त एक एहतजाज हो रहा था मद्रास में कि तमिल जबान के ऊपर हिंदुस्तान हिंदी जबान को तरजीह दी जा रही है, और खैर बहुत से लोगों को ये बात नागवार थी। और वो सही क्या था और गलत क्या था वो तो अहले जबान ही समझ सकते हैं, पठान लोगों में इस ऐसे इम्तियाज की अकल कम होती है। और पठानों की अकल की तरफ जब मैं इशारा करता हूँ तो यकीन कीजिए मेरा सिख भाइयों की तरफ कोई इशारा नहीं होता। और बात बात में बात ही भूल गया कि क्या कहना क्या चाह रहा था। बाहर के मैंने तो ये जोश साहब की मेरा ख्याल है गैर मतबूआ नज़म है, और एतराफ़ करना पड़ेगा कि कुंवर साहब से ही सुनी, उर्दू ज़बान के मुतालिक है। कहीं लिख के तो रखी थी। उर्दू और उर्दू के शायर से निस्बत रखती है, आपसे आपकी तवज्जो चाहूंगा। बहुत उम्दा तरकीब है। नदी का मोड़ चश्मे शीरी का जेरो बम, नदी का मोड़ चश्मे शीरी का जेरो बम, चादर शबे नुजूम की शबनम का रख्त नम, चादर शबे नुजूम की शबनम का रख्त नम, मोती की आब गुल की महक माह नौ का खम, मोती की आब गुल की महक माह नौ का खम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू, इन सब के इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू, और कितने हसीन उफक से हवेदा हुई है तू।
लहजा मली है, लहजा मली है कि नमक ख्वार हूं तेरा, लहजा मली है कि नमक ख्वार हूं तेरा, और सेहत जबान में है कि बीमार हूं तेरा, लहजा मली है कि नमक ख्वार हूं तेरा, सेहत जबान में है कि बीमार हूं तेरा, आजाद शेर हूं, आजाद शेर हूं कि गिरफ्तार हूं तेरा, होशियार इसलिए हूं तेरे करम से, तेरे करम से शेर व सुखन का इमाम, तेरे करम से शेर व सुखन का इमाम हूँ, और शाहों पे खंद जन हूँ कि तेरा गुलाम हूँ।